अच्छे से कट रहा होगा। तो गाइज अभी 25-26 रोजे बीत गए और कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और आज शहरी करके मैं बैठी हुई हूँ और सिर्फ मैं आधा कप चाय पी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, हल्का हल्का पेट में दर्द था। क्योंकि आप सभी जानते हैं रमज़ान में हरी सब्जी या सादा खाना से मुलाकात नहीं होता है, सिर्फ ऑयली ऑयली चीज़ खाने में भी चिकन मटन वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही पेट में दर्द हो रहा था तो मैं कुछ खा ही नहीं, सिर्फ चाय पी के और अजान हो गया फर्स्ट का, तो मैं नमाज़ पढ़ के भी आई हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इंट्रो बना लेती हूँ फिर उसके बाद आराम करती हूँ। तो गाइज़ अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, सुबह हो जाए इससे पहले मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ, फिर आप सभी से सुबह मिलती हूँ। अभी सुबह सुबह थोड़ा सा बाहर निकले हैं बच्चों के साथ टहलने के लिए, तो अभी आज जल्दी नींद खुल गया था इस वजह सोचे थोड़ा सा टहल लें और इन लोगों को भी घुमा दें। मेरी बार लोगों को क्या है, छीछी गंदा है बेटा, नहीं उठाते फेंको। तो गाइस सुबह के 10 बज गए हैं और मैं सो के तो काफ़ी पहले ही उठ गई, तो मैं सोच रही थी कि आज अपने रूम की सफाई कर लूँ। तो आज सफाई की बारी है मेरे रूम की, तो सबसे पहले मैं अपने रूम की सफाई करूँगी बाहर बाद में, तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैंने कबाड़ फैला के रखा है और वो भी सफाई करने के चक्कर में। तो चलिए फटाफट सफाई कर लेते हैं क्योंकि इससे पहले कि एनर्जी ख़त्म हो जाए बॉडी से, दोपहर होते होते तो मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, पलट जाती हूँ। तो फटाफट अपनी रूम की सफाई कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। वैसे सफाई करने से पहले दिखा देते हैं कि मैंने कितना कबाड़ फैला के रखा है। तो इधर आप लोग देख सकते हो कि मैंने सफाई के चक्कर में कितना ज़्यादा कबाड़ फैला के रखा है अपने रूम में। ये है रूम की बुरी हालत, फटाफट रूम को साफ करके फिर आपको दिखाते हैं। थोड़ी बहुत सफाई कर ली मैंने, जैसे कि यहाँ से कुछ सामान हटा दिए हैं, थोड़ी सी खिड़की से सामान हटाए हैं और ऊपर का थोड़ा सा सफाई किया मैंने। अभी और सब करना बाकी है तो उसको भी कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद दूसरी जगह हाथ लगाते हैं। इधर मैंने अपने अलमारी के सारे कपड़े तह लगा दिए, कुछ प्रेस करने थे कर दिए और ये जितना साफ दिख रहा है क्लियर ये इतना कभी नहीं रहता है, लेकिन आज मैंने सब साफ किया और सारे कपड़े लगाए। अभी छत का सारा कपड़ा तो बचा ही है, जो नीचे के थोड़े नए कपड़े थे वो मैंने सारे सही करके लगा दिए हैं, लेकिन नीचे भी वैसे ही कबाड़ भरा हुआ है तो इसको भी साफ़ करना है। तो इसे तो मैं ईद बाद भी साफ़ करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाला मैंने साफ़ कर दिया है। लगभग लगभग मैंने अपना रूम साफ़ कर दिया है और ईद अभी 2 दिन टाइम है तो फिर से गंदा हो जाएगा, इसीलिए मैंने अभी बहुत सारे सामान नहीं हटाए, तो बाद में हटा देंगे। और बाकी सब साफ़ सफाई हो गई है तो अभी बाहर का बाकी है, तो अब कल स्टार्ट करेंगे बाहर की सफाई, दूसरे रूम की और आंगन की और सारे की। तो गाइस दोपहर के 1:30 बज गए तो मैं अभी थोड़ा छत पे आई हूँ और मैंने सोचा कि वजू कर लेते हैं, ऊपर मैं आ गई हूँ तो वजू करके फिर नीचे जाएंगे, नमाज पढ़ के 1-2 घंटे आराम करेंगे क्योंकि चेहरा तो मुरझा ही जाता है दोपहर होते होते, आप लोग देख सकते हो चेहरे की हालत, और रमज़ान में ऐसी इंसान की हालत ख़राब हो ही जाती है। मैंने सोचा नमाज पढ़ लूँ फिर 1-2 घंटे रेस्ट कर लूँगी, लेकिन अभी ऐजल के पापा आए हैं तो मैंने सोचा कि पहले टेलर के पास होके आते हैं फिर उसके बाद नमाज अदा करते हैं। और मुझे अभी अपना कपड़ा बनवाना है, ईद में सिर्फ 1-2 दिन टाइम है और मेरा भी नायरा सूट बना नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया बहुत ज़्यादा ढीला ढाला था। तो थोड़ा बहुत ढीला तो मैं कपड़ा वैसे ही पहनती हूँ, ज़्यादा फिटिंग कपड़ा नहीं पहनती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा ढीला बहुत ज़्यादा है कि एक लोग और चले जाएंगे उसमें, थोड़े पतले दुबले रहेंगे। तो मैंने सोचा टेलर के पास दे देती हूँ, 1-2 दिन में बनना भी तो मुश्किल है और घर पर इतना सारा काम है, आप लोग तो जानते हो सभी के घर काम होगा, ईद से 2 दिन पहले ऐसे ही काम रहता है। तो मैंने सोचा कि मैं टेलर को ही दे दूँ बनाने के लिए, वैसे घर बन जाता लेकिन मैं पहले देख के आती हूँ टेलर के पास से, उसके बाद नमाज अदा करूँगी उसके बाद आराम करूँगी, आप सभी से शाम को मिलूँगी। तो अभी जा रहे हैं कपड़ा ले लिए हम, कपड़ा देख के आते हैं टेलर के पास से तो फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आराम करते हैं थोड़ा। तो इधर अजल के पापा खड़े हैं, बस निकल रहे हैं, तो गाइस इफ्तार में सिर्फ 10 मिनट और टाइम है तो चलते हैं फटाफट चल के देखते हैं कि सभी कुछ तैयार हो गया है कि नहीं। अगर तैयार हो गया है तो चलते हैं सब कुछ दस्तरखान पे लगाते हैं और 2-4 मिनट पहले बैठना भी चाहिए तो चल के बैठते हैं। चलिए फिर फटाफट चलते हैं। आज बनेगा खाने में मछली और मछली की तैयारी भी हो चुकी है। इधर बनने जा रहा है घुघनी चने का और इधर बन रहा है छोला। इधर बने हैं मीठे पकौड़े, इधर पापड़ है।
इधर समोसा बनके तैयार हो गया है और इधर बन रहे हैं दाल के पकौड़े। ये चने के दाल के पकौड़े हैं। इधर बड़ा है, नहीं ये तो बेसन के लग रहे हैं। इधर बड़ा है और ये है चने दाल का पकौड़ा। इधर तला रहा है, इधर तल के रखा हुआ है। भी बन गया है और पकौड़े भी बन गए हैं कुछ। दाल भी इधर तैयार है। ये तवा वाला पकौड़ा भी बन रहा है। तो आप सभी तवे वाला पकौड़ा खाएं कि नहीं, जो तल के बनता है तवे पर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तवे के पकौड़े तले हुए कुछ इस तरह से दिखते हैं, देख सकते हैं आप लोग। घुगनी तैयार है, पापड़ भी तला चुका है। इधर चिप्स वगैरह पापड़ सब तल चुके हैं। चलते हैं फिर दस्तरखान लगा लेते हैं, फिर सभी इफ्तार को लगाते हैं। दस्तरखान लग गया है, चलते हैं सभी इफ्तार को लगा देते हैं। हो गया और खाना भी हो गया रात का, तो मैं सिर्फ एक रोटी खाई हूँ। मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं करा था, जैसा कि मैंने सुबह सुबह ही आप लोग को बताया कि मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैंने सहरी भी सही से नहीं किया था, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। तो आज थोड़ा सा काम वाम के चक्कर में थोड़ी थकान ज़्यादा हो गई, तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई गाइस। तो इतने ब्लॉग में ही मैंने सोचा कि अपलोड कर देते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है कि ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाते या ब्लॉग गैप भी हो जाता है। तो मैंने सोचा मेरा ब्लॉग एक दिन भी मिस ना हो, इस वजह से वैसे भी एक दो दिन मिस हो गया था रमज़ान में। रमज़ान से पहले तो मैं चार चार पाँच पाँच दिन मिस कर दे रही थी, लेकिन रमज़ान में सिर्फ एक दो दिन, माशाल्लाह सिर्फ एक ही दो दिन मिस हुआ है। तो मैंने सोचा आज मिस ना हो, इससे थोड़ा बहुत ही जो मैंने ब्लॉग शूट किया मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि जो मेरे डेली के व्यूअर्स हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली से मेरा वेट करते हैं, उन लोगों के लिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं आज का भी वीडियो ब्लॉग अपना अपलोड कर देती हूँ, जो लोग मेरा वेट करते हैं। तो गाइस इस वजह से मैं बहुत ही कम शूट कर पाई तबीयत की वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है। तो आप लोग का रमज़ान कैसे बीता? वैसे 25-26 रोजे बीत गए, माशाल्लाह अच्छे से बीत गए, बस लास्ट जाते जाते थोड़ी तबीयत ख़राब हो ही जाती है। तो वैसे मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में कुछ स्पेशल के साथ, और इंशाल्लाह स्पेशल करने की तो कोशिश करते ही हैं, लेकिन क्या करें, रमज़ान में हो ही नहीं पा रहा है कुछ। चलिए फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।